आवास पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज यह बड़ी बैठक। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस लगातार जुटी हुई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद को लेकर चर्चा होगी। राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी। दर्शन कार्यक्रम को भव्य स्वरूप कैसे दिया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर के दर्शन कराने लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी और आरएसएस के सर कार्यवाह अरुण कुमार इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए तमाम बड़े नेता संगठन के भी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शामिल होंगे। आरएसएस के अन्य सहयोगी संगठन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी आज जिस बैठक में। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें कई वरिष्ठ मंत्री, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो इसमें शामिल होंगे, संगठन के कार्यकर्ता शामिल होंगे और इसके साथ साथ आरएसएस के अन्य सहयोगी संगठन भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद किस तरह से कार्यक्रम चलाया जाए इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर यह अहम बैठक आज बुलाई गई है सीएम आवास पर यह बैठक। और देखिए दर्शन कार्यक्रम को भव्य स्वरूप किस तरह से दिया जाए इस पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और इसी खबर पर संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है बैठक को लेकर? सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा, कहा यह जा रहा है कि उसके बाद दर्शन को किस तरह से दर्शन का जो कार्यक्रम है उसको भव्य स्वरूप दिया जा सके इस पर चर्चा होगी। संदीप, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में लगी है, आज मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 3:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि संगठन के भी तमाम सहयोगी आज की बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से एक रणनीति को तय करना है और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लक्ष्य रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, यानी 3 महीनों में किस तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने हैं, इसको किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतारना है, वहां पर उनके पहुंचने की जिम्मेदारी से लेकर ठहराने की, खाने पीने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर करने जा रही है। आने वाले समय में विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 का है और उसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और संगठन प्रभु श्री राम का जो भी इन्होंने एक बीड़ा उठाया था वो चाहे लोगों को दर्शन कराने का लेकर हो, चाहे प्रभु श्री राम बिल्कुल देखिए दर्शन कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने का चर्चा इसमें शामिल है संदीप, लेकिन क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी ये कहा जा रहा है कि उस मूर्ति को पूरे देश में कहा जाए कि घुमाया जाएगा, ये तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों को दर्शन कराए जाएंगे उस मूर्ति के, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आ रही है संदीप? देखिए बिल्कुल राम मंदिर से जुड़ी हुई देखिए तमाम तरीके की जो अपडेट है वो हर एक दिन पर आती है। देखिए तीर्थ क्षेत्र की अगर बात करी जाती है, तीर्थ क्षेत्र से ये बात कही गई थी कि जब वहां पर चलिए संदीप वापस आते हैं।